मैं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 23rd एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है दो बहुत ही सुपर कूल और अमेजिंग रैप आर्टिस्ट जिनका नाम है विकेट सनी एंड सुपर मानिक। ओह लेट्स गो भाई, कैसे हो? कैसे? बहुत ही बढ़िया भाई, आई एम आल्सो गुड। लेट्स गो, क्या चल रहा है भाई? बस अभी तो एमटीवी असल शून्य 3 का चल रहा है, होस्टिंग का सीन यही चल रहा है अभी तो यही चल रहा है भाई। शो की रिपोर्ट कैसी है? अभी शुरू हुआ है तो इट्स लाइक धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। यू आर क्वाइट नर्वस। अभी शो शुरू हुआ है, नर्वस हो रहा हूँ क्या मैं? नॉटी हो रहा क्या? नर्वस हो रहा है कि नहीं? अच्छी रिपोर्ट्स है, मजा आ रही है। मतलब अभी धीरे धीरे हम भी मजा लेना शुरू कर रहे हैं तो इट्स गोइंग गुड भाई, अच्छा चल रहा, बढ़िया है। सही, अच्छा भाई, अच्छा होना चाहिए। इतनी मेहनत है यू नो इतना शो बनाने में। असल जो 2.0 था वो सुपर हिट गया, जी फाड़ गया, सी फाड़ वाला हिट गया था, 3 आ गया। तो अभी होस्टिंग कर रहे हो आप दोनों साथ में, तो ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा क्योंकि लास्ट सीजन में गाने भी हुए बहुत सारे। सही बात, ठीक है। अब क्या साथ में होस्टिंग कर रहे हो, तो ये कैसे अप्रोच किया, मतलब कैसे हुआ? क्योंकि केमिस्ट्री है दोनों गानों की। हाँ मतलब बोल बढ़िया। देखो भाई, यस गो 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 विद द सेम ब्रा। प्रॉब्लम तो इसी की बड़ी है, बाकी सब यहाँ पे। और एज अ रैपर किसकी चेक करिए? देखो नंबर तो ज़्यादा फिर मेरे ही आते हैं, आपको पता ही है। ओके, ये भी छोटा आर्टिस्ट है। He was talking about पे चेक। हाँ तो नंबर जिसके ज़्यादा उसके पे चेक भी ज़्यादा ना भाई। रैपर्स पेचेक्स की बात हो रही थी ब्रदर। बस कितने बचा, पैसे कितना आ रहा है? पैसों की बात हो रही थी क्या? पेचेक मतलब पैसा? तुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए उस मामले में। नहीं सही, नहीं क्या तो स्टार्ट मतलब क्या अप्रोच, कैसे अप्रोच हुआ कि यू नो आप वो से होस्ट कराना है 3.0? सो रहे थे हम घर पे अलग अलग। ग्रेट, जस्ट टू बी क्लियर, यस सर। अलग अलग, मैं मोहाली में था, ये बॉम्बे में था, और फिर कॉल आया और मैं उठा और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे करके MTV हसल 03 हो रहा है तो आप आना चाहेंगे? आई डोंट नो मी, मतलब मैं कंटेस्टेंट ऑलरेडी रह चुका हूँ, मतलब साल भी है। कहते नहीं नहीं इस बार आप आगे तक पहुँचोगे, मतलब तरक्की हो गई। हाँ तरक्की हो गई आपकी। मैं कहता नो, मैं सेमीफाइनलिस्ट था पिछली बार। कहते आप समझ नहीं रहे, आपको होस्टिंग के लिए अप्रोच किया जा रहा है कि आप होस्ट करने के लिए रेडी हो? मैं क्या चलो मैं बताता हूँ सोच के। इतने देर में इसका ही कॉल आ गया कि भाई क्या सीन है, कर दिया जाए क्या? मैं क्या यार, ये तो फिर मैनिफेस्ट किसने किया ही था और मैं भी साथ में जुड़ गया। मुझे मैनिफेस्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ये सारा काम कर देता, मैं संभाल लेता हूँ एंड में अगर ये कुछ गलती करता है तो। ही कैन बी अ गुड मैनेजर। या या आई मैनेज मायसेल्फ वेरी वेल। तो बस वैसे ही हुआ। इसने कहा एक ऑडिशन होने चाहिए था कि एक ऑडिशन दे हम, तो इसने कहा जूम कॉल पे दे देते हैं। अबे क्या, ताकि जॉब के लिए बुलाया क्या? ताकि आना ना पड़े मोहाली से इधर। तो कह रहा भाई जूम कॉल पे हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे, हम दे देंगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं दे रहा जूम कॉल पे, अगर होने के 1-2% चांसेस होंगे ना वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आ जा तू, तो देन यहाँ हमने ऑडिशन प्रिपेयर किया। 4-5 घंटे हम लोग को एक होटल में रूम दिया और कहा कि भाई यहाँ पे जाके पूरा प्रिपेयर करो। कैसे होस्ट करना है, कैसे हो? एक खुद से कुछ स्क्रिप्ट तैयार करो। okay. थोड़ा सा आइडिया उन्होंने दे दिया था कि ऐसा ऐसा है और मतलब आप लोगों का जो फ्लेवर है वो डाल कर yes. और सुपर कूल कैसे हो सकता है। 5-6 मिनट का सेट तैयार किया था बढ़िया और हंसा दिया, लोट पोट करवा दिए, सब हो गए, ऐसे सिलेक्शन हुई थी। बट ये ना जो आप लोगों ने इस पे करा, क्या बोलते हैं बेसिकली जो आपको, सही बात है जी, यस उसी में पायलट पे जैसे उसको पायलट बोलते हैं ओपनिंग शो। नहीं नहीं नहीं, पायलट बेसिकली क्या होता है, रफ होता है बेसिकली, रफ। पर पायलट वो नहीं होता जो प्लेन उड़ाता है भाई, वो ड्राइवर होता है भाई। बेसिकली उसको बोलते हैं पायलट शो, मतलब ये स्क्रैच है बेसिकली, सैंपल सैंपल करा जी, ठीक है करके उसमें आप लोगों ने मचा दिया, बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया। शो पे क्या हो रहा है, शो पे क्या हो गया मतलब भाई? आजा थोड़ा बाहर जाके हैं। ऑडिशन चल रहे थे ना, इसलिए थोड़ा फुटेज थोड़ा मोस्ट रिप्लेड पार्ट क्या हमें मिल चुका है इस वीडियो का। पूरा पॉडकास्ट ऐसे होगा क्योंकि मैं भाइयों की बात काफी मैच करता हूँ। बिल्कुल, तो बकचोदी अली भाई भाई नहीं नहीं बट अच्छा, यू नो मुझे लगता है कि जो गाने में केमिस्ट्री थी आप दोनों की वही एज एन एंकर शो पर निकल के आ रही है, लोग काफी। पर अभी भाई मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ना उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं है जहां पे हमारी स्पेस है इन द शो। लाइक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट अबाउट इट कि शो में ना अभी स्पेस ही नहीं है,
मतलब इतने सारे पार्टिसिपेंट अभी हैं, अभी 20 थे अब 16 हो गए हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस गेस्ट आ रहे हैं जैसे इस अभी राघा भाई और सिकंदर भाई आए हुए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस एंड देन बाकी सबकी एंट्री एग्जिट मिला के बहुत कम स्पेस है. सो जहाँ पे हम आए तो एक दो एपिसोड बाद लाइक हमारा बैंटर शुरू हो रहा है. हाँ, मतलब अभी शो देखो जस्ट स्टार्ट हुआ है. यस सर, जस्ट स्टार्ट, जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यू नो चार एपिसोड आए अभी, अभी ऑलमोस्ट 20 एपिसोड है टोटल. स्पेस और मिले तो बहुत पूरा, अभी तो हमारे बैंटर शुरू होंगे, मेरे और इसके मस्ती खोरी शुरू होगी जो हम करते हैं. हाँ, तो वो शुरू होगा, तो अभी टाइम है, हम देख जाएंगे, जो हमें नहीं देख पा रहे हैं वेट करो, आप देख लोगे. ऑल द बेस्ट भाई, यू नो ऑल अच्छा हो, थैंक यू सो मच, स्पेस मिले बिल्कुल. तो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हसल 2.0, लेट्स गो. कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने यू नो ये मेरा बड़ा रैंडम सवाल है, जितने भी जो भी कंटेस्टेंट, जितने सारे मेरे भाई लोग हैं जो यू नो पॉडकास्ट पाए, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है. तो यू नो जब आप रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हो बहुत कुछ सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो बहुत सारी चीज़ें, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि क्या कैसा एक्सपीरियंस है. तेरे से शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट. यस सर, सही बात है, चलो शुरू कर भाई. भाई हसल 2.0 जैसा एक्सपीरियंस मुझे लगता है ना कि मैंने अभी तक ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है. ये ऐसा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े लेवल पे था ये, मतलब थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था. सारे ना अपने अपने नंबर सोच के आए थे, मतलब जितना जिनके लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ मैं रहा शुरू में इनिशियली, लक्ष्य, पैंथर, स्पेक्ट्रा, श्लोवेज, हम और मैं, है ना, हम पाँच लोग साथ वाले रूम थे और पैंथर रूममेट था. तो हम अपने अपने नंबर सोच के आए थे कि मैंने कहा कि भाई 50,000 फॉलोअर हो जाएं, क्योंकि शुरू में कोई आइडिया नहीं था कितने होने वाले हैं वो सब. और पैंथर ने कहा यार 1,00,000 तो करके ही जाने हैं. हाँ, 1,00,000 तो करके जाने हैं. लक्ष्य ने कहा कि भाई 3-4 एपिसोड निकल जाएं, ठीक है. स्पेक्ट्रा कहता मानिक भाई सही बात है यार, 50,000-60,000 फॉलोअर तो हो जाए. मैं कहा ठीक है, हो जाएगी, लड़के डीएम में रिप्लाई करता. यस, ओ या, कम ऑन. ठीक है, तो सबके साथ यही सब हुआ, हम चारों के साथ, मुझे बाकियों का पता नहीं है. किसी किसी बाकी के मिलियन हो गए ना. हाँ, बाकी आई एम सॉरी, राजोंस का ही पॉडकास्ट है, नहीं इट इज बेसिकली लाइक लेट्स इंसल्ट टुडे सनी एंड मानिक विद राजोंस, को पावर्ड बाय अर्बन मंकी एंड सिम्बा तो बस यही सब है ना, अपने अपने नंबर सब लेके चले गए. और ठीक है, जिसको जितना मिल रहा है, जिसको जैसा मिल रहा है, किसी किसी को शो आगे मिल रहे हैं, किसी किसी को नहीं मिल रहे, किसी किसी को जिनको शो नहीं मिल रहे उनको वो ब्रांड डील्स वगैरह वो सब ज़्यादा मिल रही हैं, रिबन काट रहे हैं, ब्रांड रिबन वो सब, मतलब सबको अपना अपना फेयर शेयर मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. और सारे खुश हैं उसके बाद, मतलब मुझे लगता है कि अच्छी बात है, इतनी मेहनत करी है, अगर मिले तो और डबल खुशी होती है कि मेरी मेहनत पूरी सक्सेस तो शुरुआत में ऐसा हुआ कि मतलब रैप तो चल ही रहा है 2017-18 से चल रहा है. तो 19 में फर्स्ट हसल आया और फिर मैं वहाँ पहुँचा, कॉल आई, उन्होंने कुछ वीडियोस मांगे, तो सडनली एक हफ्ते के अंदर मैं टॉप 30 में था विद किंग भाई, EPR, हीम, बेला भाई, ठीक है, इन सब के साथ श्लोका एंड ऑल, मैं टॉप 30. मुझे पता भी नहीं लगी क्योंकि इतनी जल्दी हुआ ना, वो वीडियोस मंगाते गए और मैं भेजता गया. मैं प्रयागराज से, मैं वहीं पे था उस टाइम पे, मैं भेजता गया. फिर उन्होंने आया कि हम आपकी टिकट्स भेज रहे हैं इस राउंड के लिए, आप टॉप 30 के लिए सेलेक्ट हो, मतलब टीवी राउंड के लिए सेलेक्ट हो, उस टाइम टॉप 30 में जा रहा होगा. तो वो हुआ, मैं आया मुंबई, परफॉर्म किया मैंने, मैं रिजेक्ट हुआ और देन मैं वापस चला गया. वो थोड़ा बहुत तो डिप्रेशन आता है कि भाई नहीं हुआ, बट आई गेस मैं रेडी भी नहीं था. रफ्तार भाई ने बोला कि नहीं, मोस्टली ना लोगों को पता होता है, ये मुझे भी पता था कि जैसे यू नो भाई ने स्टार्टिंग बोला कि जूम कॉल, वो जूम कॉल में वो केमिस्ट्री भी आती है, फैक्ट है. एग्जैक्टली, जो आप यू नो अपफ्रंट सामने कर लेते हैं, ये हमने तैयार किया, ये हम परफॉर्म करेंगे आज, थोड़ा सा
खाली था मैं, तो मेरे को प्रिपरेशन का टाइम मिल गया, तो मैंने प्रिपरेशन की और फिर 2022 में कॉल वॉल आया, तो उन्होंने बुलाया मुझे, मैंने कहा कि चलो भाई देखते हैं। मेरे मन में एकदम नहीं था, बिकॉज मैं पहले जैसे गाने बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, मैं अब नहीं बनाता। आई मेक फन सॉन्ग्स, आई मेक गुड सॉन्ग्स, वो तुम्हारी वाइब है, वो मेरी वाइब है, मुझे मजा आती है उसमें। मैं सैड भी लिखता हूँ, बट सबकी अपनी अपनी वाइब है। मुझे लगता है यार ये चीज़ ना मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि दुख बहुत ईजिली बिक जाता है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है कि भाई आप उनको हंसाओ, गाने में थोड़ा सा मजा दे दो। मैं इस बाली भाई से इस चीज़ में बहुत इंस्पायर्ड हूँ यार, वो ये तो जाऊँगा मैं मिले तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है। देन फिर मैंने वैसे गाने बनाए, मुझे लग रहा था, और मैं और खुल्लर जी पहुंचे, तो अंदर मुझे बोला भी कि जिस तुम्हारी तरह एक और बंदा है। तो जब मैंने खुल्लर जी के गाने सुने, नहीं तुम यार सॉरी कुलर भाई, और कोई हैंडसम ज्यादा होता है, कोई टैलेंटेड ज्यादा होता है, तो ये सब बातें होती हैं, वो तो सब बैलेंस है। हां आई डोंट नो व्हाई बट आई एम लविंग दिस जैसे भी कमाए कमाए तो हाँ ये देखिए मुंह पे आए भाई, तेरे मुंह पे आए जो आए, जो ये चीज बोली ना पे आए ना है। अच्छा काम कर, मैंने वीडियो बनाया बिल्कुल यस यस तो बस हसल टू एंड देन फिर अचानक से आई वाज देयर एंड देन फिर राउंड बाय राउंड सही फिर तो पता ही है आप उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई। मुझे वो जो सॉन्ग था चार्ली चैपलिन बन गया मुझे बहुत अच्छा लगा था भाई, वो शेक वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा था, फिर तेरी छोटी है किसकी चलो बाद में बताएंगे, लेकिन वो सॉन्ग जो सब बड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे बताया। अच्छा हसल से पहले कितने फॉलोअर्स थे आपके इंस्टाग्राम पे? 2000। अब कितने हैं? 60,000+ आपके कितने थे? 1700 थे जब आया था, और अब 113,000। क्या बात है, बढ़िया यार। देखो ये होता है यू नो रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का फायदा, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ऊपर से जो जो टीवी की ऑडियंस आपको प्यार और वो सपोर्ट करती है ना, वो एक अलग लेवल पे होती है। बट बिफोर वी कंटिन्यू राज भाई, मतलब मेरा नाम, मैं जब से भी आपके इंटरव्यूज देख रहा हूँ और बहुत सारी इस देश की बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ से शुरू हुई हैं। कोई बोले नहीं बोले सबको पता है, और पता नहीं ये वाला पार्ट कोई देखे नहीं देखे, यहाँ तक जाए नहीं जाए, बट और जब अचानक से ना देयर वाज अ डे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और एक सामने इंटरव्यू है, मैं देख रहा हूँ चलो रफ्तार भाई को मैं जानता हूँ, मैंने कहा हु Wait a minute, who are you? Then फिर मैंने वो सर्च करना शुरू किया, देन मुझे पता चला आपके इंटरव्यूज के बारे में, देन मैंने ऑलमोस्ट जितना मैं देख सकता था उस टाइम पे, एक ड्रीम कम ट्रू है ये आप, मतलब इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे आपके साथ बैठना बहुत बड़ी बात है अपने लिए, मतलब मेरे लिए बहुत अलग यू नो एक अलग एक्सपीरियंस और अलग बात है, क्योंकि मैं 6 आर्टिस्टों को अप्रोच किया था, उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैंने सनी और मानिक को बुलाया। लेकिन आप खुश तो हो ना कि आपके इंटरव्यूज में ना लड़कियां कम आते, तो मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया, तो आप खुश तो हो ना? हाँ खुश हूँ, क्योंकि परितोष भाई ने बहुत पैसा भेजा है इस इंटरव्यू के लिए, इट्स अ पेड पॉडकास्ट। ओह यस सर, शाउट आउट टू परितोष। यार मुझे पता लगा उस गाने के बारे में, शेख वाले गाने में, तो आपको पसंद नहीं था? नहीं पसंद था। हाँ, वो क्या स्टोरी है? मुझे अभी पता लगा। वो मुझे करना नहीं था। मैंने सेक्सी लग रहा था परफॉर्म किया और वो गाना फट गया, और देन उसके बाद वो चीजें, फिर इन्होंने कहा कि तेरा जोन वो है तो वैसे ही कर, मैंने कहा हाँ मैं करूंगा और गाने बनाता हूँ मैं, तो मैंने और गाने उन्हें सुनाए, बट उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो नहीं जा सकते थे ऑन अ रियलिटी शो, तो सॉरी आई थिंक उसके आपने दूसरा रेफरेंस डाले था कि टीवी ऑडियंस यस सुन सके, तो मैंने कहा ये गाना भाई उस लेवल का नहीं है, आप मत कराओ मुझसे, मैं निकल जाऊंगा इस एपिसोड में, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, इस वाले एपिसोड में मैं निकल रहा हूँ। तो कह रहे तुम बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हो, मैं कहा आप मुझे नहीं देख रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, मतलब पैंथर स्क्वायर पैरा, आप इन लोगों के सामने अगर आपको सर्वाइव करना है, गुड आर्टिस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट सुपर मानिक
एक आर्टिस्ट है वो भी अच्छा है और बट मैंने कंपटीशन नहीं समझा था इसे, क्योंकि तो भाई है ना, भाइयों को क्या कंपटीशन मिलेना, वो भाई नहीं है, वो दोस्त हैं और वो अच्छे दोस्त हैं। ओके यस, और वो भी भाई है यार, कम ऑन, ये घूम क्यों रहा है ये सब। बट यस, बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्टों के सामने परफॉर्म करना और कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल जा रहा था, तो मैंने कह रहा रिस्क नहीं ले सकते। मैं मना करता गया, वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं तू यही करेगा, यू नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, तू नहीं जानता टीवी, हम जानते हैं टीवी, तू दुबई टूरिज्म नहीं समझ रहा है। ओह यस सर, वो एक गाना मैंने मतलब हाँ, उस व्हाट आई फील ना भाई, उस जो मैंने परफॉर्मेंस देखी शायद तो वही था सेट पे, आप उधर ही रहिए, आप उधर ही रहिए, तो मैं देख रहा था टीम का, मेरा भाई बहुत सही है, मेरे को लगा कि भाई ये ना अगर वो जो रेफरेंसेस चेंज करके डाले थे, मतलब ये अच्छा उनके लिए अच्छा बन सकता है इंडियन दुबई में। उस एक गाने के चक्कर में मतलब मैं तीन बार दुबई हो गया, और उस गाने के चक्कर में टीम में अभी मैं आया हूँ, लाइक 10 days बैक आई वाज इन दुबई ओनली, तो तीन बार दुबई में शो हो गए अपने और अभी भी प्लान चल रहा है। परफॉर्म या सॉन्ग परफॉर्म करो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 गाने वहाँ परफॉर्म कर लूँ, किसी को कुछ नहीं सुनना है मुझसे, ये एक गाना मैं 10 बार परफॉर्म करूँ वो 10 बार सुनेंगे। क्या भाई प्यार है, वो ऑब्वियसली एक सॉन्ग का वो है तो, बट हाँ मैं नहीं कर रहा था वो सॉन्ग, मुझे पावरफुल नहीं लगा, बट आदित्य सर जो म्यूजिक डायरेक्टर थे लास्ट ईयर के, आदित्य पुष्करना सर, उन्होंने कहा कि नहीं तू टीवी नहीं जानता, मैं टीवी जानता हूँ। सुपर एक्सपीरियंस्ड गाय है, मतलब उनका वो करने दे मुझे जो मुझे आता है, तू वो कर जो तुझे आता है, पर देन जिस तरीके से सॉन्ग वो कह रहे, बस तू मत खराब करियो स्टेज पे, बाकी तो सब बढ़िया है। हाँ। टच वुड, बड़ा अच्छा यार वो, बहुत अच्छा सॉन्ग निकला है, मेरे को बड़ा पसंद आया वो। उसके बाद जो बाकी के सॉन्ग थे परफॉर्म किए वो बहुत अच्छे थे, बट मेरे को जो मजा आया आप उनकी केमिस्ट्री में, जैसे अभी हम 3.0 में देख रहे हैं, शून्य थे, उसमें जो केमिस्ट्री आप दोनों की, वो उसका जन्म हुआ उस गाने से। यस बड़ी प्रॉब्लम, उसकी तो उसकी तो कहानी ऐसी है कि हम 10 लोग बचे, वही स्टोरी है जो आज 6 लोगों ने मना कर दिया। ओह यस, ओह यस, कम ऑन, हां उसकी भी यही स्टोरी है, लेट्स गो। तो 10 लोग बचे थे सेमीफाइनल के लिए, सेमीफाइनल एपिसोड था ना, नहीं 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 जस्ट एक एपिसोड पहले, 12 लोग थे, तो हम 2 और बाकी 10, ठीक है। तो सब ने अपने अपने पार्टनर्स चूज़ कर लिए, हेडशॉट बोलता मेरा ना ग्रेविटी के साथ ही गाना बना पड़ा है तो मैं इसके साथ जाऊंगा, नोएडा पैंथर और स्पेक्ट्रा हम तो दोनों साथ में करेंगे, बॉम्बे सृष्टि और नयाज हमारा ये जोन है, हमने प्लान किया हुआ है, क्यूके बोलती यार यूके राइम्स विद क्यूके सो लेट्स गो, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, एग्जैक्टली यही था, एग्जैक्टली कुछ भी क्यूके कुछ भी, अरे दोनों बढ़िया लोग, माफ करो नहीं तो छोटा है नहीं, यो कम ऑन दिल ब्रो दिल यार मतलब हद होगी यार। हाँ तो कैसे इतनी जल्दी तू कम बैक, नहीं कैसे इतनी जल्दी तू रिएक्ट कर सकता है, कम बैक इज तो मतलब क्या और ऐसे 3-0-3 इनसे कम बैक नहीं हो रहा है, मैं करवा दूंगा, फिर से गालियां पड़ेंगी, वी आर रेडी, मैं भी होस्ट करूंगा इन द कमेंट्स, मैं अभी इतनी गालियां पड़ेंगी ना आपको भी हमें भी, जैसे कम बैक का सीन आ गया ना सर जी, वहां पे यो यो हनी सिंह, अब आप हमसे जुड़े हैं, हम मैं अभी आप हमसे जुड़े हैं, पाजी की नहीं, मैं इन दोनों की कम बैक की बात कर रहा हूं, यस होस्ट, यस पाजी की तो बात ही नहीं हो रही, मतलब कम बैक से आजकल वही लोग, हाँ वो रिलेट कर ले रहे हैं, यस सर। तो पैरा और स्क्वायर का कन्फर्म था वो तो टीम से ही, और बचे हम दो, हमें किसी ने चूज नहीं किया सारे एक दूसरे, मतलब पार्टनर्स चूज कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, भी कोई तो कर ही दे, सोचो भाई लड़की ने भी रिजेक्ट कर दिया ऐसा पार्टनर, सारे रिजेक्ट कर रहे हैं देखो, ये गलत हुआ, पर अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, जो चीज अच्छा बनी वो तुम, हाँ तो वही तो हम दोनों एक दूसरे को ऐसे बैठे थे हम, मतलब मीन देखे ना वो छोटा बच्चा वो उधर देख काला बस देख रहा होता है क्या कि जब बाल कटवाने की दुकान में जाए और आपका बार बार बिजी हो और जो सबसे खराब काटता हो उसकी और आपकी नजर लड़ जाए तो बस वैसा ही हुआ, किसी ने सेलेक्ट नहीं किया तो हम एक दूसरे को देख रहे हैं, और हमें अभी भी मैंने फिर से यही आइडिया, मैंने दूसरी बार ये आइडिया प्रपोज किया कि मैम सर आप ही बता दो, आप ही सारा कुछ सेलेक्ट करो, माय बाप हाँ जो दोगे उनके, यस लेकिन ये नहीं बस जो आप बोलोगे, अगर आप ये बोलोगे तो आप, अगर आपने ये भी बोला होता हम मान जाते, लेकिन अब तो अपने आप हो रही है तो आपने हालात ही ऐसे बना दिए, फिर उनके सामने ऑब्वियस ही था सबने सेलेक्ट कर ही लिए, हम दोनों ही हैं, कहते तुम दोनों लाइक
पर हमारी हमारी जीरो फ्रेंडशिप थी, जीरो मतलब जीरो बातचीत थी, बस ऐसे नॉर्मल मिलना। हेलो और भाई और भी रहे और बढ़िया बढ़िया खाना हो गया नाश्ता, मुझे यही वाली तो बस। फिर ये आया भाई, कहता भाई कोई रिस्क नहीं लेना, पिछले हफ्ते तेरे साथ भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले हफ्ते मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अब कोई रिस्क नहीं लेना, बाहर तो जाना ही नहीं है, मैं नहीं चाहता कि भाई मैं ट्रेन पकड़ के ऐसे ऐसे प्रयागराज वापस जा रहा हूँ, हम बाहर निकल जाए, तू भूला या फिर मैं भूला, कोई भी भूले। तो हम प्री रिटर्न कुछ पहले लिखा होगा, जैसा भी लिखा हो हम वही करेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो करें। मैं कन्विंस नहीं था मतलब इस बात से, मैं अग्रीड तो था कि हाँ ठीक है कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता कि कोई जोन ऐसा एक्सप्लोर करें जो मैंने भी स्टेज पे है ना, तो वैसा। तो फिर वो फनी वाला एंगल आया कि यार एक ना आइडिया है ना, कि मैं ना बड़ा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ संगतार का, संगतार पंजाबी वाइन्स बनाता है, वो कैनेडा में रहता है और वाइन्स बनाता है वो, तो उसका एक एक उसकी वीडियो थी, उसकी एक वाइन ही थी कि ब्राउन फादर्स अपने बेटों की कैसे तारीफ करते हैं, कि ये पहला फादर बोलता है कि भाई मेरा बेटा ना नासा के लिए सिलेक्ट हुआ है, ये बोलता है भाई मेरा बेटा ऑलरेडी 2 बार चांद पे जाया है, भाई मेरा बेटा ना प्लूटो कल ही जा रहा है, भाई मेरे बेटे ने चाइना को खरीद लिया, मतलब बड़ी बड़ी बातें जो बिल्कुल सच नहीं है, जिसका सेंस नहीं है, और पंजाबी में था, बट मैंने इसको फिर भी वो वीडियो दिखाई कि यार एक बार ना बस देख ले, तू थोड़ा आइडिया समझ आए कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कुछ, कि ऐसा अगर हो जाए तो। इसने वो आइडिया देखा, कैसा भाई बात तो है भाई। तो फिर हम तब बैठे उस आइडिया पे, तो हमने बस ऐसी पॉइंटर्स लिख लिए कि प्रॉब्लम है ना, कि प्रॉब्लम पे देखते हैं, हुक अभी तक बनी नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रॉब्लम्स अपनी अपनी प्रॉब्लम बतानी है कि भाई तो अपनी प्रॉब्लम मैं अपनी प्रॉब्लम लिखता हूँ। और हम इतनी सी मुलाकात हुई, पहली बार हमने इतनी बात करी, ठीक है कि वीडियो भी दिखा दी, ये भी पहली बार हमने इतनी बात करी पूरे 8-9 मिनट साथ में बैठ के। फिर अपने अपने रूम में फिर से वापस चले गए, अपनी प्रॉब्लम्स लिख के आ रहे हैं, 6-7 इसने लिखी, 6-7 मैंने, फिर वो सॉर्ट आउट करके 3-3 प्रॉब्लम ऐसे रख दी। आगे कहानी थोड़ी तू बता दे। देन फिर यही सब मतलब यू गॉट द पॉइंट, फिर वो गाना किसी तरह फाइनली मुद्दा समझ आ गया, और फिर जब ये आया ना तो इसने कहा कि भाई मेरे दिमाग में चल रहा है कि प्रॉब्लम तू कहाँ बैठा था, मैं कहाँ बैठा था, वो बता। अरे भाई मतलब हाँ ठीक है, हम आसपास ही थे, इधर उधर हम लोग नहीं भाई, ये बता नहीं रहा। तो ये ना नीचे चाय वाय पीने के लिए नीचे किसी टपरी वपरी गया हुआ था, और मैं भी लेट उठने वाला, लेट सोने वाला, वैसा वाला, और ये फुल नहा धो के पूरा बैठ गया चाय वाय पी, मेरी आदत है नहा धो के रेडी हो जाता हूँ 10-11 बजे। तो बंदा तो ये मुझे कॉल कर रहा होगा 10-11 बजे से, तो 1:30 बजे 2 बजे मैं उठ ही गया। फिर फाइनली फिर मैं वॉशरूम में गया, इसका वहाँ पे भी कॉल आया कि भाई कब तक आ रहे हैं नीचे ये वो। मैं कहा भाई जब आऊँगा ना बहुत बढ़िया हुक लेके आऊँगा है ना। तो फिर मुझे वॉशरूम में बैठे बैठे आइडिया आया कि प्रॉब्लम मेरी बड़ी है भाई, मेरी बड़ी है भाई, मैं हग रहा हूँ, और फिर हगते हगते ये गाना निकल गया, लेट्स गो। और वहीं पर आइडिया ये आया कि भाई शो पे ना कुछ गाने ऐसे थे जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली फट गए थे, वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जांपल इज मैं नहीं तो कौन पे है ना। अरे तो सब अरे मुझे सबसे बेस्ट उसका पाकिस्तानी वाला लगता है, पाकिस्तानी वाला कौन सा, मैं नहीं तो कौन नहीं, अच्छा ओ अच्छा बोल बोल बोल, हां तो वायरल, हमें क्या पता, अरे वो सब फनी रहता, कहोगे तो ऑन द फ्लोर दे दूंगी ताकि जैसे लाइन है, हां सवा उसने भी पहुंचाया घर घर तक भाई शो को। 6-7 साल के बच्चों के जुबान पे रैप था ना अगर पहली बार तो ये था मैं नहीं तो कौन बे, शी तो वॉइस में डॉन वाला है छोटा, क्या अलग कॉन्सेप्ट थे, अलग आइडियाज थे, मतलब कुछ तो है ना। तो मैं बोला कि लेट्स डू दिस थिंग, कि अगर उस गाने को लोग भी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और जजेस ने भी इतना अप्रिशिएट किया और बहुत अनएक्सपेक्टेड वो गाना था, तो हम भी कुछ ऐसा ही रेफरेंसेस डालते हैं जो कि थोड़ी अनएक्सपेक्टेड हो, थोड़ा और रिलेटेबिलिटी फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो, हम शो का रखते हैं है ना। तो वही कि हमें सृष्टि इतने मार्क्स नहीं मिल रहे थे, कभी कभी मिल रहे थे, कभी भी नहीं मिल रहे थे, ऐसे भी तो है ना भाई, हाँ मतलब हाँ टैलेंटेड भी तो है ना भाई, वो भी टैलेंटेड है अपनी जगह पे, हम भी अपनी जगह पे टैलेंटेड है, ज़्यादा मत बोलो भाई। मेरा तो शो है एडिटिंग मेरे हाथ में, मैं तो अक्षय कुमार हूँ और रूपा नहा लिया। ठीक है, तो फिर हमने वो भी डाल दिया कि अगर ये गाना सृष्टि परफॉर्म करती तो वो 30 में से 30 लेके जाती, हमने ये भी रेफरेंस पहले डाल दिया ताकि थोड़ा सा हमारे फेवर में गाना हो जाए कि
हमें भी मिलना चाहिए। मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई देख कुछ भी कर, ये वो वाला एपिसोड है, तेरी गलती से मैं बाहर हो जाऊंगा, मेरी गलती से तू बाहर हो जाएगा, और एक दूसरे की गलती से दोनों बाहर हो जाएंगे। और पहले दिन से कहता रहा कि भाई रेडियो रेडी लेके आना, रेडियो हिट लेके आना, रेडियो हिट लेके आना। मालिक का कोलैब करूंगा और ये सब बाहर निकल ये लाइनों पे ध्यान दे रहा है, ये कह रहा हुक के बाद तो कह रहा मेरी बड़ी, मैंने कहा ये भी डाल देते, तेरी दिख भी नहीं रही तेरी कितनी बड़ी है। तो मैंने कहा ये सब डाल के गाने को कैची बनाते हैं, और फिर मानिक रेडियो रेडी लेना है हमें, रेडियो हिट चाहिए भाई हमें। मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक मैंने कहा मानिक कैसा ही परफॉर्मेंस है, रेडियो हिट डबल मीनिंग था। तो वैसे ही हुआ, तो बढ़िया गाना बन गया और फिर रेडियो हिट मिल गया था, तो वी वर सेव्ड और बच गए थे भाई, दोस्ती भी आप दोनों की इतनी। उसके बाद तो फिर हमने बहुत प्रोजेक्ट मतलब टच विद भाई साथ में कर लिए। हां हसल के बाद मैंने सुना काफी बहुत कुछ बहुत प्रोजेक्ट किया हमने साथ में, मारी आपने मतलब काम काम बहुत सामने किया हमने काम कोड भी छापे टचवुड वो सबको बेच के ही पैसा, मतलब काम बेच के ही पैसा मिलता भाई। हाँ, काम करके पैसा मिलता है। आर्ट 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 सही करते हैं, सही आर्टिस्ट हैं हम। लर्निंग्स क्या थी भाई आपकी, यू नो फ्रॉम हसल 2.0 जो तुम्हें आगे अब काम आ रही है, यू नो इतने देखो, एक तो आदित्य सर, चित्रा मैम, अनन्या मैम, इतने सारे अच्छे और एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। द थिंग आई लर्न भाई, सॉरी भैया अगर तू बोलने जा रहा था, सॉरी यू, अरे कम ऑन ब्रदर, यू नो ऑन अ सीरियस नोट, यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमैट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। आई लर्न दिस, बी नेचुरल भाई, ये सब बोलने की बातें हैं, मैं रियल हूँ, आई एम द रियलिस्ट, आई एम द कूलेस्ट, मैं तो सब सच बोलूँगा, सब सच बोलते हैं भाई। भाई पहले ये बता डिप्लोमेट होता क्या है भाई, मुझे पता है, तो जनता को बता भाई। जनता को यार राज भाई की ऑडियंस देख रहे हो, उन्हें डिप्लोमेट पता है, मेरी भी ऑडियंस है, इसमें तेरी भी बहुत क्लियर है। तो बहुत क्लियर भाई, मैं मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया। कल आपके घर पे मिलते हैं, डिनर टाइम पे मिले, अच्छा दे दे ना कोई डिनर टाइम पे आते हैं, हाँ फिर से बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई, तो आपने मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया, हाँ खाना ना खा लेंगे, देंगे एक दो ड्रिंक्स भी लगा लेंगे, सब आपके घर पे ही होगा, ज्यादा लेट होगा तो स्टे कर लूंगा, वहीं स्टे कर लूंगा, हाँ परसों तो साथ में निकलना है ऑफिस, सो इट इज लाइक दैट बीइंग डिप्लोमैट। आप यहाँ पे अगर डिप्लोमैट नहीं है ना, ये इंडस्ट्री मतलब जो मैंने सीखा इतने टाइम में कि हाँ वैसा है थोड़ा सा, और सबसे बड़ी लर्निंग हासिल से कि आज नहीं कल आपका टैलेंट पहचान लिया जाएगा, देर ना सवेर कब, लेकिन तुम दोनों का पहचान ही है टैलेंट, हम सब कुछ टैलेंट नहीं होता। क्या बात है, हाँ क्या बात है, बड़ी बात बोल दी भाई, बड़ी बात बोल दी भाई, तुझे मानना पड़ेगा। अल्लाह वाह, नहीं नहीं मतलब बाय बर्थ भी होता ही है, मतलब टैलेंट पे तो काम करते हैं हम, स्किल्स पे काम करते हैं भाई, कुछ बाय बर्थ, यस यस भाई यस, मतलब गॉट योर इंसल्ट बट यस लव्ड इट, मतलब प्यार से बोलो, बहुत प्यार ही मिला मुझे, वो प्यार जैसा ही फील हो रहा है, ये सबसे बकचोद पॉडकास्ट है हमारा, काफी मजा आ रहा है। तो यस सर, ये लर्निंग्स थी आपकी फ्रॉम हसल 2.0 भाई, आपकी क्या लर्निंग थी? देखते रहना, मतलब किसी भी कैसे भी करके बस देखते रहना, अगर हम शो पे देख रहे थे और जितना एपिसोड्स हमने काटे और सर्वाइव किया और बढ़िया भी परफॉर्म किया, उतना ही हमें ज़्यादा प्यार मिला। तो बेसिकली ये है कि अगर आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखते रहोगे ना, ज़रूरी नहीं वो रियलिटी शो हो, कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप किसी बड़े आर्टिस्ट के लिए ओपन कर रहे हो, अब वहाँ पे देखे सारे एकदम से हो कि भाई यार मुझे स्पॉट नहीं मिला लेकिन इनको मिल गया, वैसा वाला। तो भाई इस विजिबिलिटी 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 ये साफ रहना, कभी मोबाइल स्क्रीन मत दिख जाना, छोटी स्क्रीन में नहीं, बड़ी स्क्रीन पे, यूट्यूब पे दिखेंगे हम आपको, वो भी छोटी स्क्रीन है, फोन पे छोटी ही स्क्रीन है वो, कुछ छोटे छोटे वीडियोस होते हैं शॉर्ट फॉर्मेट के, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं बट ऐसा ग्रेट बट अच्छा है, देखो वही जैसे ना कि लर्निंग्स बहुत है, बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने, अब नाउ यू आर इन द मार्केट इन द सी, सही जहां आप यू नो नॉट सर्वाइवल बट यू नो आप जो टैलेंट है अपना उसको आप दिखा रहे लोगों को, वही करो, मतलब उससे पैसा आ रहा है, सही बात है, छोड़ दे वो भी जरूरी है, तो टच वाला भाई, यस सर। अरे दिल्ली आप आए थे, बाली भाई से मिले थे, कब आ रहा है गाना, क्या सीन है भाई? तो अब मतलब ये तो बाली भाई बता सकते हैं कि हमारा ना काफी टाइम से
पेंडिंग है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है। तो मैं लास्ट टाइम जब गया तो G20 समिट और अच्छा, तो मैं गुड़गांव था और वो इधर रजौरी गार्डन, तो बीच में इतना कुछ कि नहीं मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। Okay. तो वो पंगे हो गए 3 दिन, मैं 3 ही दिन था और तीनों दिन G20 था। उस टाइम मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ, तो जी हम लोग पॉडकास्ट शूट करना चाहते थे। यस, बट सिंगल सिंगल, फिर मुझे लगा कि मतलब इतने व्यूज नहीं आएंगे, तो फिर सुपर मालिक को हमने बुलाया। ओह यस सर, कम ऑन, अरे कम ऑन मैन, अब और कम व्यूज आएंगे। पैसा पर बात। चलो हाँ, ये आप अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, जैसे कम से अपने एक्सप्रेशन तो नहीं आएगा। हाँ तो मतलब अभी मतलब G20 के चक्कर में वाले भाई से मिल नहीं पाए। नहीं, बट हमने एक म्यूजिक पे ऑलमोस्ट हमारा वो एग्री हो गए हैं दोनों, डन हो गया। बस हम अभी मिलने वाले हैं इन फ्यू डेज, लाइक 4 दिन में हम मिलने वाले हैं, एंड देन फिर कुछ बन जाएगा और आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ग्रेट भाई, मैं बढ़िया, कुछ तो बनेगा भाई। yes, मुझे बाले भाई ने बताया था। कुछ तो बनेगा भाई, अब इतने टाइम से पेंडिंग है, वो अच्छा चलेगा भाई। बढ़िया, बाले भाई ने बताया था मुझे कि पूरा बना, बढ़िया भाई, सही है भाई का काम, अच्छा है जी। इसके अलावा और क्या करो भाई लाइफ में, क्योंकि बैक टू बैक गाने आप निकाल रहे हो, ऐसा मुझे क्यों नहीं पता। क्या उन गानों को उतने प्यार मिल पा रहा है? मिल पा रहा है, बिल्कुल मिल पा रहा है। I'll be honest, I'll be very much honest. हमने सबसे पहला गाना निकाला, पहले इसने 2 गाने निकाले, पहले एक ऑडियो था और उसके बाद एक वीडियो के साथ। वो कड़क वीडियो था भाई। एक सेकंड भाई, मैं अपना आईफोन साइलेंट पे कर लूं जरा। क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? ठीक है, मालिक को दे देना। मालिक इतना खर्चा हो गया तो आईफोन भी ले लेते। तो फिर गाना बहुत चला, डैडी करके गाने का नाम था, मतलब मुझे ट्रिब्यूट दिया था इसने, एंड उसके बाद हमने गाना निकाला। दोगी भाई पर हमने हर जा साले संभाल ले जबान। हाँ बुरा मान रहे मैंने मैंने कहा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ अपने गाने के बारे में, ये क्यों मेरे गाने के बारे में बोल रहा है? ये होता है भाई, ये होता है प्यार। यस ठीक है, उसी बीच में बहुत कुछ करना चाहिए उस हाइप को मेंटेन करने के लिए। तभी मैंने सीरियसली पूछा कि मतलब इतने गाने क्यों नहीं आ रहे जितने, मतलब तब से आई गेस 1 साल हो गया है, तो प्रैक्टिकली 4-5 गाने आए हैं। ठीक है, और एक आध गाना छोड़ दे तो बाकी सब पे रिस्पॉन्स हमारा, जो हमें पता है कि इतने आते हैं हमारे। एंड जब हमारा बैडमैन आया था तो हमने मतलब 1 रुपए भी, 1 सिंगल पेनी भी हमने प्रमोशन पे नहीं खर्चा है, क्योंकि हम निकलते हमने गाना बना और हमारे पास नहीं था। इनके पास पैसा नहीं है, गाना बनाओ। yes. क्योंकि हमने भी बनाया। yes. और आज हम उसे मतलब मिलियन टच होने जा रहा है वो, और भाई मतलब 0 रुपये एंड इट्स ऑल ऑर्गेनिक। ठीक है, डैडी पे भी मतलब इट्स वो सब, और मैंने फिर उसके बाद एक बनारसी बाबू करके मेरा गाना आया, ठीक है, तो वो भी आया, एंड देन अभी परोल आया, परोल पे सम कॉपीराइट इश्यूज, तो उसके व्यूज रुक गए फॉर सम रीजंस, बट ठीक है, हमारा एक नया गाना आ रहा है अभी। अब गानों की बात चली तो मेरी ईपी आ रही है, एंड इस जगह पे ईपी का नाम है विलेन। मैं ऑब्वियसली आपको इनवाइट करूंगा ही करूंगा, आइएगा जरूर, आइएगा जरूर, वहाँ बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और उसमें मेरा और इसका एक कोलैबोरेशन है, और एक मेरा और पैंथर भाई का कोलैबोरेशन है। पैंथर लाऊंगा यार, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, बहुत बढ़िया आ रही है, तो वो एक पैंथर भाई के साथ है और एक इनके साथ है, और बाकी 3 मेरे सोलोज हैं। ठीक है, वैसा है, और उसके अलावा हमारा एक गाना आ रहा है जिसका नाम है सिरा, सिरा, और बताएंगे पहले मैं भी बता दूंगा। यस हां, प्लीज प्लीज प्लीज। तो पहले बैडमैन आया, और बैडमैन बहुत ही बढ़िया क्रेजी रिस्पांस, हमने तो ऐसा एक्सपेक्ट किया नहीं था ना, सबको अपना अपना पता होता कि हाँ भाई, हमें था कि यार एक दिन में 15,000 व्यूज आ जाना, चांदी हो जाएगी, चांदी हो जाएगी, पार्टी करेंगे। पहले तो 1-1,000 ही आते, पहले तो 1-1,000 ही आते थे व्यूज, 15,000 तो आए, कम से कम 15 गुना तो फायदा हो। पहले दिन आगे 45,000 समथिंग, उसके बाद वो गाना रुका नहीं, फिर वो बढ़ता ही गया, अभी भी काफी मतलब मिलियन टच कर ही जाएगा, इसी साल कर जाएगा मिलियन टच। तो क्या हो गया, कैसे कैसे गाने सुन रही है? वही तो है ना, कैसे कैसे गाने इतने पसंद आ रहे हो, ऐसे ऐसे गाने, ऑडियंस को बुरा बोल रहे हो? नहीं, ऑडियंस को पहला ऑडियंस ये
कि कैसे आपसे बात कर रहे हैं। बनाते रहो गाने। तो बैड में बहुत क्रेज रिस्पॉन्स है स्ट्रीमिंग पे भी और यूट्यूब पे भी। उसके बाद कुछ ब्रांड वाले गाने किए और जिनसे धनराशि आई वो करना पड़ा। उसके बाद मैंने अपना जोन जो है एक्सप्लोर करना और करते जाना। पंजाबी गाने मैं लिखता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे को वो चीज़ में ज़्यादा है। तो कसूर करके गाना निकाला, बढ़िया रिस्पॉन्स है, उतना नहीं जितना बैडमैन पे आया और बट काफ़ी लोगों ने पसंद किया और वो मैं आगे वाइब कंटिन्यू करूँगा। फिर मैंने गाना निकाला नो वन ऑफिशियल भगत के साथ। तो वो गाना मेरे पास कुछ डालने के लिए ऐसा सच यूट्यूब पे था नहीं तब। तो मैं क्या जल्दी से मतलब कोई तो गाना करना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैं फिर से थोड़ा ट्रैवल वाला सीन था। तो वो गाना जल्दी एक ही दिन में ऐसे करके कैसे भी करके शूट करके, और उस दिन चंडीगढ़ में हिस्टोरिक बारिश हुई थी। मतलब 6 महीने में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी उस एक रात को होगी। मतलब भगवान भी आता है गाना ना निकले। हाँ, कि भगवान ने बोल दिया कि भाई शूट भी ना हो। हाँ। तो हमने गाड़ियां वाड़ियों की लाइट से ही सारा शूट किया, पूरा बारिश में गाना शूट किया। हाँ। और अगले दिन मेरे को यहीं पे आना था शायद अहमदाबाद। तो फिर वो शूट वूट किया, जुलाई में निकाला, जुलाई अगस्त में निकाला, और वो गाना धीरे धीरे पेस पकड़ी। लेकिन क्या पेस पकड़ी, वो रील्स पे फट गया, अब आज भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग है। और फिर वो मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई। मतलब ऐसा इंडिपेंडेंटली, और जितनी हाइप हमने अपने दिमाग में सोची हुई थी, हाइप वाइप तो है नहीं। हाइप वाइप तो मुझे मतलब मैं इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता कि हाइप इज द राइट वर्ड। हां, क्योंकि हाइप एक टाइप तक रहती है, फिर भाई लॉन्गर रन वाले हाइप नहीं देखेंगे, लॉन्गर रन वाले हाइप नहीं देखते। आपकी गेम बड़ी है, आपके गाने उस लेवल पे आप बना रहे हो तो वो आगे तक जाएंगे। अगर जनता स्मार्ट है तो मतलब अगर स्मार्ट जनता रिलेट करती है हमेशा। हाँ। और जो रिलेट नहीं करती वो धीरे धीरे स्मार्ट होती है। जैसे कि कृष्णा भाई की ऑडियंस, पहले वो अपना पूरा भाई है ना, उन्होंने कभी अपना वो फ्लेवर छोड़ा नहीं है लिरिकल, है ना। तो जनता को उन्होंने स्मार्ट बनाया। तो वैसे ही है कि अगर आपको लेगेसी मेंटेन करनी है और बनानी है आगे, तो आपकी जनता को धीरे धीरे स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो वही है, जितना भी तो हाइप नहीं बोलूंगा उस चीज़ को, बट ये है कि अगर जनता रिलेट कर पा रही है तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो उसकी स्मार्ट जनता है। सही, बहुत अच्छी से आपने एग्जांपल देके ना एक्सप्लेन किया। आई लाइक इट, सीरियस। पता नहीं चलता ना आपका, अगर पता चल रहा होता कि कब आप मजाक करेगा, आप सीरियस है तो हम भी थोड़ा स्मार्ट होके जवाब देते। यही अगर मैंने कॉलेज में वो एग्जाम में लिखा होता तो आज मैं ड्रॉप आउट ना होता। ओह यस, मुझे मेरी डिग्री मिल गई होती भाई। ओह, मेरे को भी 50% तो आ ही गए होते एग्रीगेट। सभी टच में है, मतलब मेरी सबसे बात होती है ये टच में रहता है। इतनी हंसने वाली बात नहीं थी, बट आप खास हैं और अपने हैं और आप हंसे तो मैं भी आपकी हंसी में साथ देना चाहता हूँ। आपसे भी टच होना चाह रहे हैं ना ये, तो इसलिए ये टच ना बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। यस, कनेक्शन में किससे कनेक्ट पे हैं आप? यस यस, तो बताओ किससे कनेक्ट पे है, बोल। मैं ऑलमोस्ट सभी के साथ ही मैं हूँ कनेक्ट पे, अच्छे लेवल पे सबके साथ बातचीत तो है। सबसे ज्यादा बातचीत है विकेट के साथ। नहीं, तो मतलब भाई वो तो मतलब हाँ, वो तो इसका तो कौन ही क्या ही है, मतलब इसका तो कौन क्या गाना तेरा था नो वन। नहीं, इसका तो वही भाईचारा वाला हो गया, थोड़ा फादर सन वाला हो गया, बट अदर देन दैट सबके साथ मतलब नाम बता रहे हो, सबके साथ बोले जा रहे हो। क्योंकि मैं याद नहीं कर पा रहा ना कि इतनी किससे बातें होती है, ऐसे तो होती नहीं ना। तो नाम ले, बट अच्छी बॉन्डिंग है सबके साथ। बॉन्डिंग क्या होता है? पैंथर भाई, स्पेक्ट्रा भाई, खुल्लर भाई है ना, लक्ष्य के साथ भी गाना डिड आई जस्ट स्पिट, कोई नहीं स्वॉलो ब्रो। तो लक्ष्य के साथ भी गाना भी बना पड़ा है, एंड तो सबके साथ मतलब इनके साथ है सबसे ज़्यादा बातचीत। अब जब मैं बॉम्बे होता हूँ और स्क्वायर भी जब बॉम्बे आता है, बॉम्बे मिलता है, अदरवाइज वो एरो सिटी मोहाली आता है तो वहाँ पे स्क्वायर के साथ भी बढ़िया है। पैरा के साथ अभी तक टेक्स्ट पे ही है बात। यूके के साथ भी गाना बना हुआ है, तो सबके साथ यार राइम, अरे ग्रेविटी, नैस, मतलब यार किसका नाम छोड़ा ना, अगर ऐसे बोले तो बातचीत। बट हाँ, अगर थोड़ा मेल जोल ज्यादा है तो स्क्वायर के साथ मेरा ज्यादा है। हाँ। ये भी मिलता है, अभी वो मुंबई आता हमारी यहीं पे ज्यादा, या मैं उधर जाता हूँ अगर गुड़गांव हरियाणा तो उधर भी आ जाता है, तो हम साथ में रहते हैं उधर। और पैरा से अभी भी मुलाकात हुई थी मेरी कुछ दिन पहले ही G20 के टाइम पे ही। बस, और
आपको ना कभी ये दो वो ऐसे लोग है ना जिन्हें मतलब भली कम बातचीत हो बट आप जब फोन करोगे ना वो कभी वहां से ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं भाई इतना टाइम हो गया बात नहीं हुई दो महीने हो गए वैसी बातचीत रहती है हमेशा। और स्पेक्ट्रा भाई का तो मुझे मैसेज भी आया था कि मैंने बोला अभी मैं आ रहा हूँ ये शूट के बाद दिल्ली तो स्पेक्ट्रा भाई बोलते आप हमसे क्यों मिलोगे टॉप टू से मिल के चले जाते हो क्या नहीं बट यस बहुत बढ़िया लोग हैं सब भाई हैं तो बस अब उनसे मुलाकात ज्यादा है थोड़ी बाकी सबसे हमने शोज भी साथ में थोड़े निपटाए तो वैसा मतलब बातचीत है ना मतलब फ्यूचर में कोलैब कोलैब पैंथर भाई के साथ तो आ ही रहा है यस और स्क्वायर के साथ एक गाना हुआ था बट वो स्क्रैप हो गया हमारा फॉर सम रीजंस और जो कि मैं एक शो कर रहा था अमेजोन के लिए हिप हॉप इंडिया करके रेमो सरनोरा मैम तो उसके लिए कर रहा था वहाँ पे हमारा एक गाना बना था जो स्क्रैप हो गया हो नहीं पाया फॉर सम इश्यूज बट हम क्योंकि स्क्वायर लिरिकली काफी स्ट्रॉन्ग है अभी वो मैच नहीं कर पा रहा होगा ये भी हो सकता है मतलब नो दैट इज सम लीगल इशू ठीक है तो कुछ इश्यूज थे लीगल जो इसकी वजह से गाना नहीं आ पाया बट मेरा स्क्वायर का एक और गाना प्लान हो रहा है तो हम उस पर जल्दी ही आएंगे वापस ग्रेट ऑल द बेस्ट स्क्वायर के साथ जो गाना है जल्दी आए भाई थैंक यू सो मच फ्यूचर मुझे पर सारे उसके भी सही बात थैंक यू यार हिप हॉप इंडिया आपने यू नो होस्ट के बहुत अच्छा होस्ट किया भाई यू नो एज अ होस्ट आई लव यू थैंक यू नॉट एज अ रैपर नहीं एज अ रैपर भी सॉरी आई कंफ्यूज हो गया मतलब कंफ्यूज हो गया बहुत अच्छा करते हो एज अ होस्ट यू नो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मैंने हिप हॉप इंडिया देखा बहुत मजा आया गाने आ रहे हैं सबको बताऊंगा और हां जी मेरा भाभी ने किसी से भी बोला यार क्या 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 बताओ जरा कुछ यार एंकर की बात बता नोरा भाभी के बारे में बताओ यार मतलब अब ये अगर मैं बोलूंगी हाँ तो ठीक था ओके दैट वाज गुड नहीं इट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ दैट शो मतलब जो आपको एक मिलता है ना कि आपको कुछ पैसे तो दिए ही गए हैं उसके ऊपर आपको जब घर वाले जाते थे 500 और पकड़ा दे बॉक्स ये भी रहा रख 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 समझ रहे हो 500 रुपए की पप्पी दैट्स इट इज दिस द वैल्यू ऑफ नोरा फतेहीज पप्पी समझ रहे हो ऑडियंस सो वल्गर यार ही सो चीप बात है सस्ती बात अचानक से वल्गर हो गया अभी तो मैं ठीक था छी भाई आई वाज अ गुड ओशन आर्टिस्ट नहीं तो मतलब यस वो कहीं से भी प्लान नहीं था और ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं था कि मुझे भी पप्पी मिलेगी क्योंकि उस लड़के को दो बार मिल चुकी थी तो ये चीज रिपीट नहीं होनी थी शो पे कहीं से भी बट ये इवेंचुअली उस दिन ऐसा हुआ कि बार निकल रहे थे बैटल वाले और कुछ ऐसा निकला कि जो उन्हें ज्यादा पसंद आ गया तो इट वॉज हर चॉइस And then और मुझे अच्छा लगा ये कौन होता है इट्स हर चॉइस इट्स हर चॉइस हां भाई तो मैं कौन था इट्स हर चॉइस तो देन वो पप्पी हुई एंड अच्छा लगा मुझे मजा आया भाई कैसा था शो एक्सपीरियंस शो का एक्सपीरियंस कैसा मतलब एज इन होस्ट हां कैमरे के सामने पहली बार था तो शुरुआत में नर्वस था बट धीरे धीरे कोप अप कर लिया जब इनियर्स में गालियां पड़ती तो आप अपने आप ही सीख जाते हो तो धीरे धीरे मैं सीख गया सही लास्ट निकलते निकलते तक तो मतलब दो तीन एपिसोड आपको लगता है वार्म अप होने में उसके बाद तो फिर और जब रेमो सर और वो इतने सपोर्टिव है ना मतलब और एक्चुअली में वो सपोर्टिव रेमो सर के बारे में सभी जानते हैं वो बहुत सपोर्टिव और नोरा मैम उनके साथ फर्स्ट टाइम में मतलब रेमो सर के साथ तो पहले भी मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ टू द कल्चर मैंने एक दो इवेंट्स किए हुए थे रेमो सर के साथ बट नोरा मैम के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो इट वाज वेरी गुड भाई कोई भी डैड अपने बेटे के लिए प्राउड हमेशा से होता है लेकिन वो बोलता नहीं है बट आज मैं कहना चाहता हूँ भाई होस्ट बहुत बढ़िया गया था मेरे बेटे यस सर नहीं सच में होस्ट मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैंने एक महीना गाली खाई इंस्टाग्राम पे जस्ट बिकॉज मैं किसी ऐसे मैटर को लग गया जहाँ मेरा कोई काम ही नहीं था तो नहीं वो सच में बढ़िया गया था मतलब मैं खुद भी इंस्पायर हुआ है मैं अब सब देख ही रहे थे मैं बोल ही देता हूँ गाइस प्लीज थोड़ा समझा करो इट वाज अ रियलिटी शो कम ऑन सो मैंने उसकी वजह से भाई मजाक नहीं मैंने उसके से एक गेम डाउनलोड कर लिया कि मुझे इंस्टाग्राम ना खोलना पड़े आप समझ रहे हैं कंट्रोवर्सी ना बता रहे हाँ तो हुआ ये कि हिप हॉप इंडिया का लास्ट एपिसोड बादशाह भाई इज देयर रफ्तार भाई इज देयर ठीक है रफ्तार भाई से भी थोड़ी मुलाकात है ब्रीज ऑफ विट शफल इस साल मैंने उनके साथ किया था ये सब था और बादशाह भाई के साथ दोनों हसल वाला वो था ही था तो दोनों के साथ एक बॉन्डिंग तो थी ही थी तो मैं ना थोड़ा घुलते घुलते घुल गया माहौल में सब रैपर आर्टिस्ट मैं बह गया रायते की तरह फैल गया हाँ उतना भी नहीं बट थोड़ा कम दही की तरह गिरा मैं फैला नहीं बट झूम ही रहा था इधर उधर तो यस हाँ तो मैंने सोचा कि यार
थोड़ा मजाक के साथ चल रहा है, उसी में ना कुछ रफ्तार भाई ने पहले तो पूछा कि सनी मैं बहुत मानता हूँ बादशाह भाई को, बहुत ज्यादा मानता हूँ, मतलब मैंने अगर कभी किसी को लुकअप टू किया है ना, पीपल गो फॉर इंटरनेशनल आर्टिस्ट, मैं इसको सुनता हूँ, मैंने सच में नहीं सुने हैं लोग, अगर मुझे कल को किसी इंग्लिश रैपर का मतलब गाना मेरे को नहीं पता, मैं शायद से नाम सुन क्योंकि फील्ड वही है, बट मैंने कभी, मैं बादशाह भाई को बहुत ज्यादा तहे दिल से मानता हूँ, और कोई लाल करने वाली बात नहीं, ही नोज इट, तो उन्हें पता ही है। और अभी आपके पॉडकास्ट में बताते तो उन्होंने मुझे एक चश्मा गिफ्ट किया अभी हसल के शूट पे, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। तो क्या था आपकी शक्ल ना देखना चाहते हो, चश्मा दिया, फिर मास्क भी दे देंगे अगले एपिसोड में, ये भी हो सकता है ना, मांग मांग के देना तो मतलब फिर वही बात होगी। चलो लेट्स बैक टू द कंट्रोवर्सी सर। यस ओके, सो भावनाओं में मैं बह चुका था पूरी तरीके से, यही सब चल रहा था, अचानक से किसी ने मुझसे पूछा कि बादशाह भाई के बारे में, सनी यू वांट टू से समथिंग, तो मैं ना थोड़ा इमोशनल वाला मोमेंट था मेरे लिए था, मैं मतलब बहुत पसंद करता हूँ उन्हें, तो मैंने कहा नहीं नहीं भाई, मैंने इवन माई मॉम लाइक्स हिम एज एन आर्टिस्ट, कि भाई ऐसे गाने बना सनी, ये हर कोई सुनता है, जो एक नॉर्मल मम्मा की थॉट प्रोसेस है कि ऐसे सुनते हैं सब, ऐसे गाने बना, तो उस टाइम से मेरे दिमाग में था, मैं बोलते बोलते थोड़ा बहुत बोल गया, तो एक छोटा इमोशनल मोमेंट हो गया। उसके जस्ट बाद ना रफ्तार भाई ने माहौल चेंज करने के लिए बादशाह भाई से, तो कह रहे अच्छा तो बादशाह भाई बता ही दो ना फिर कि किसका कमबैक नहीं हो रहा। अच्छा, और देन आई वाज जस्ट ओ ओ, एंड ये मेरा ये रिएक्शन था, ये मेरा रिएक्शन था, उन्होंने पूछा मेरा ओ ओ ओ, ये रिएक्शन था, और कुछ भी दिखा सकते थे इस मोमेंट पे शो पे, है ना, कुछ भी दिखा सकते थे, एक्सप्रेशन दिखा, इसका रिएक्शन दिखाया पूरे स्क्रीन पे, अकेला ये ऐसे कर रहा है, रफ्तार भाई ने बोला कि वाशा आज तो बता ही दो कि किसका कमबैक नहीं हो रहा, इसका ऐसे करके रिएक्शन था, कैमरा तुरंत ये जैसे माइक है ना ऐसे, ये सनी है अभी लाइक टोटल, और जिस दिन तक ये एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ ना, तब मेरे को पता चला कि लोग मेंटली क्यों डिप्रेस रहते हैं, मैं कभी नहीं रहता वैसा, तो तुम चैन की नींद सो रहे थे, मैं सो रहा था 10 दिन तक, मैं सो रहा था भाई, ये एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, रात बीती अगली सुबह, मैं आपको बता रहा हूँ फैंस पहुंचे, आई गेस 4 दिन हुए थे, मैं 4 दिन में आपको मैक्सिमम टैग्स बता रहा हूँ कितने आए थे, ये जो मेरी टीम है वो काउंट कर रही थी, 5,532 टैग्स थे 3 दिन में, 5,500 टैग्स, और टैग्स क्या है अब वो तो छोड़ ही दीजिए, बादशाह भाई, रफ्तार भाई, विकेट सनी, मैं कहा आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी देयर कि मैं मुझे इनके साथ टैग किया जाए, बट ऐसे अच्छे, नहीं अच्छे ऐसे नहीं, और इतने टैग्स हनी पाजी के फैंस ने ना मतलब वाट लगा दी, बट ऐसा कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट अ रियलिटी शो, एक सिर्फ एक मस्ती वाला एक्सप्रेशन था, इवन आई रिस्पेक्ट हनी पाजी एज एवरीबॉडी, अगर रिएक्शन ना होता तो फिर वो रफ्तार पाजी की इंसल्ट होती, अगर हम उनको रिएक्ट नहीं कर रहे तो, सो ही हैज टू रिएक्ट, बोल ही नहीं रहे मतलब वैसे हो जाता कि मैं खड़ा हूं, तो रफ्तार भाई ने बोला मैंने कहा रिएक्ट कर देता हूं यार, अब मजाक मस्ती हो रही मैं भी पार्ट क्यों ना लूं, और बट मुझे नहीं पता था कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, और मेरे रिएक्शन पे जो एक्शन हुआ ना ओह शिट, मतलब अभी जाके 1 week 10 days बैक सब नॉर्मल हुआ है, नहीं देन सब नॉर्मल हो रहा था फिर इसने मेरे साथ कोलैबोरेशन में पोस्ट डाल दी कि सिकंदर भाई है, राघा भाई है, बीच में रफ्तार बादशाह भाई हैं, और इस साइड मैं हूँ, इस साइड ये है, तो हम दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया पोस्ट, तब मुझे एक्चुअली पता चला कि कैसे गालियाँ, मतलब इसको देख लिया, बादशाह भाई को देख लिया, वही मोमेंट रिक्रिएट हो गई, तेरे पापा का कमबैक हो गया, ये तो हो रहा है, अभी गालियाँ गालियाँ भर रखी हैं, ऐसे लाइक्स आते हैं भाई, ऐसे पहुँचती है ये, देन मानिक इज ऑल्सो इन द सीन नाउ, ही इज अ पार्ट, गेहूं के साथ गुनी पिस गया, ये हुआ है, गुनी था गेहूं मैं हूं लेकिन ओके गेहूं, इसने खुद ही बोल दिया भाई गेहूं, हद है वीट वीट ना वीट वीट गेहूं अभी, बट चलो ठीक है, कंट्रोवर्सी तो लगी रहती है, बट yes, yes. आपने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था, नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था। अभी सबसे ज्यादा आप यू नो किस चीज पे दोनों काम कर रहे हो, अपनी होस्टिंग पे या सॉन्ग्स पे? होस्टिंग पे हमारा प्रैक्टिस हो ही रहा है, लेकिन ये बड़ा अच्छा था कि सॉन्ग्स पे हमें काम, आपने ये सवाल पूछा, तो जो सॉन्ग्स हैं हम बहुत ये ट्राई करते हैं कि हम जो मिलके गाने बनाए ना वो ऐसा ही हो कि जो हमें भी पता हो और इंटेंशन आ जाए कि हाँ भाई ये गाना, दिस इज इट, जितना भी चले जैसे भी चले, बट वो चलना चाहिए, हम ऐसे गाने बनाते हैं, मतलब अकेले का माइंडसेट ऐसे नहीं होता, पूरी टीम भी हाँ हाँ ना ना कर देती है, बट हम इतने गाने हम स्क्रैप करते हैं डेली के, या किसी एक गाने पे अगर बनना हो तो वो चाहे 10 मिनट में ही बन जाता है कोई ना कोई तो। बट भाई मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि जैसे लोग डुओ में रैपर्स बहुत कम है,
मतलब यू नो सीधे मौत भाई है, मतलब मैं और ज्यादा नहीं जानता। मौत है एक अपने ब्रेव वर्ल्ड भी है। ओके ब्रेव नहीं सॉरी बैड किड्स। बैड किड्स ओके इन आवर आई लिसन आवर ठीक है। तो हाँ तो वैसा है, तो हमने जब साथ में गाना बनाया ना बैडमैन एंड फिर हमने रोडीज के लिए एंथम बनाया था कर्मिया कांड, ठीक है वो भी अच्छा गया एंड बढ़िया गया, मतलब कभी ऐसा एंथम बना नहीं था और इस बार बना तो, और आपको पता कभी ऐसा रोडीज आया भी नहीं था। हाँ लेकिन अगर बिहाइंड द सीन पता करना हो तो ये टीआरपी बहुत लेके गया ये वाला रोडीज एक्चुअली में। आपको बुलाया गया है तो चलो फर्स्ट टाइम ऐसा है, मैं तो करवाने के लिए बदनाम हूं, हो गई। नहीं तो बस भैया कि हमारे गाने आ रहे हैं और हम दोनों जो साथ में क्रिएट कर रहे हैं ना सॉन्ग्स वो बढ़िया बन रहे हैं सच में। मतलब मैं ऐसा मेरी ईपी में जो इसके साथ ट्रैक है ना और लोगों ने सुन के भी रिस्पांस दिया खुद आपस में नहीं एक्चुअली नहीं नहीं मतलब हम सुनाते हैं लोगों ऐसे तो हमें तो अपने गाने अच्छे लगेंगे, हम श्योर होकर जाते हैं फिर वो अगर मना भी करते हैं फिर से बना लेते हैं, ऐसा कोई सीन है। हम इतना बार स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं ना सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल पीपल, दे आर न्यूट्रल पीपल, नो दे आर न्यूट्रल पीपल। तू समझा बेकार समझा रे। अरे मतलब हाँ यस, हम लोग कभी कभार ऐसे भी लोगों को सुनाते हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, हमारी ज्यादा जान पहचान नहीं है, जो हमारे फेवर में बोलने का उन्हें कोई सेंस नहीं है, बिकॉज काम करने वाले लोग हैं, उनका अपना अलग फील्ड है, तो उन्हें भी सुना देते कि भाई इससे तो जेन्युइन वो मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम किसी मिला गाना चल मैं बाहर निकल ये देख मत चोरी गार्ड की नौकरी करते तो नहीं ऐसा ऐसा हुआ था नहीं 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 ऐसा हमने हमारा आपस में हुआ था। इसने एक आइडिया है कि हम ऐसा गाना बनाते हैं कि ये I'm dash ठीक है something ठीक है shut और मानी भाई और वो गाना नहीं मुझे बोलना पड़ेगा और वो बहुत हिट गाना है, वो बहुत ही बढ़िया चीज है, वो अगर उस पे गाना बन जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, ये बनाने नहीं दे रहा this stupid guy भाई मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा बट अरे हां भाई we should support you and everyone। मानिक भाई क्या हो गया भाई प्लीज ये सब कट कर दीजिएगा, ये बकचोद है। ओ चुपया भाई मैं आपको तीन गाने बताता हूं जो इसकी ईपी में आ रहा है, वो है जहर। जहर मतलब हमने नाम फाइनलाइज किया नहीं है लेकिन जहर करके है। एक हमने गाना बनाया मित्रा और एक है सिरा। सिरा इज ऑल्सो स्लैंग की बहुत बढ़िया कैंट है ना पंजाब पंजाब में, तो जहर तो सबको पता ही है एंड मित्रा मतलब फ्रेंड यारा है ना तो वैसे वाला है प्रावा है ना तो वैसे वाला। और जो सिरा गाना है फाइनली लेट्स जस्ट पिच इट और हम सोच रहे हैं कि वो हम गाना इक्का बाजू को पिच करेंगे। हम चाहते ही नहीं कि उस गाने में कोई भी और आए, कोई भी और हम चाहते नहीं। हम ऐसा नहीं कि हम अभी मिले उन्हें और हमारी ऐसी बॉन्डिंग में मिला पहले भी उनसे, बट हमें ना मतलब उसमें कोई दिखाई नहीं उसके बाद, और हमें वो गाना इनकम्प्लीट लगा जब हम दोनों का वर्स हो गया ना, हमें लगा भाई कि एक ना आठ लाइन सही, आठ बार सही बट इट शुड बी इक्का बाजी। तो अगर ये हम मतलब अभी हमारा गाना फाइनल हो रहा है सो हम इस बार उन्हें सुनाएंगे और वो पता भी चल जाएगा अगर हुआ नहीं हुआ, अगर किसी तरीके से वो नहीं भी आ पाते ऑन बोर्ड तो नेक्स्ट सॉन्ग, बट इस गाने में हम पूरा ट्राई करेंगे इक्का बाजी आ जाए। आप मतलब जैसा मैं बोला कि वो स्पेस उन्हीं के लिए खाली है। यस यस ये क्योंकि वो जब गैंगस्टर लिखते हैं ना भाई हां बुद्धि खराब हो जाती है। सही बात मतलब ये सारे गाने आ रहे हैं उसी टाइप का गैंगस्टर लिखा, मतलब he is good with everything और हम भी फैंस हैं, फैन है ना इक्का बाजी के। as an independent निकाल रहे हो ईपी या मतलब किसी म्यूजिक लेबल? it's in process yes, so mostly it will be हाँ with a label only, but अगर नहीं है तो independent हमेशा से independent ही निकालेंगे। great भाई कोई stress नहीं, रोकेंगे थोड़ी काम। हाँ काम वैसे भी रुकना नहीं चाहिए, वो नहीं रुकेगा, अगली ईपी निकल आएगी लेबल पे और कभी नहीं आएगी अगर लेबल पे तो गाना इंडिपेंडेंट ही तो निकलता ही रहेगा ना, गाने रोक के लेबल के लिए मतलब नहीं है जब खुद उतने भी सक्षम है कि वो चीजें कर सकते हैं। तू हंसा? नहीं मैं तो हंसा भी, अरे ये तो ऑन कैमरा भाई नहीं हंसा, तूने बस ऐसे बोल के ये। हाँ ठीक है मतलब यस, जब ये किसी लौंडे का नाम ले लेता है तो मेरी तरफ देख लेता है। सक्षम बोला खुश हो गया, बताऊंगा भाई को बताऊंगा भाई मैं लौंडे का नाम ले लिया। भाई मस्ती मत कर साले, सच में अभी गालियां खा के उठाऊं भाई ये सब प्लीज आप काट देना, चूतिया ये कुछ नहीं कटेगा सब जाएगा भाई। ओ बच्चों मत कर भाई पागल है, तो यस भाई तो ईपी आ रही है विलन और हमारे गाने आ रहे हैं। ठीक है हाँ मतलब वो ये कि निकालना जरूरी, चाहे वो इंडिपेंडेंटली आप निकालो या किसी लेबल के थ्रू निकालो। ट्रू बट अब कभी सोचा है कि लेबल पे साइन हो जाता हूँ?
मैं अभी एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है सेलेस्टा, तो उसमें 11 गाने रहेंगे, तो वो इन प्रोसेस है मेरा, ये अभी वो है, मतलब मैं इतना कुछ डिटेल में बता नहीं सकता, वो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, सब वैसी वाली वाइब रहेगी, वो के बारे में क्या ही बताना, मतलब क्या होगा वो तो देख लेंगे, पता भी नहीं पाऊंगा दोबारा इनवाइट नहीं करूंगा ना, फर्स्ट और लास्ट टाइम था। और बड़े बड़े पॉडकास्ट होते हैं लाइक है ना बीबीसी नेटवर्क पे हो जाते हैं ऑल, बट चलो जो भी है, नहीं आपको नहीं बुलाते, इट्स ओके, बट रैपर्स को तो बुलाते हैं ना, वो आर्टिस्ट को बुलाते, देखिए हम दोनों भले ही जोड़ी में हैं लेकिन मैं एक अलग आर्टिस्ट भी हूँ, आप देखिए मेरी आपकी बनी हुई है, आप अगली बार भी इसी को बुलाना, मैं तब बैठ जाऊंगा भाई डिवाइन भाई के साथ, थोड़ा चिल कर लूंगा यार बीबीसी नेटवर्क पे यार, हद होगी, बट आप इसको फिर से बुलाना, इसको मौका देना आप फिर से, गेट रेडी फॉर द चौक ऑफ देन, गेट रेडी फॉर द चौक ऑफ देन, बट मतलब सोचा फ्यूचर, मतलब अगर साइन हो, यस यस भाई, मतलब दिमाग में तो है ही है, ठीक है, बट एज सच अभी तक वो पर्सनल में अपनी बात कर रहा हूँ, अभी तक वैसी कुछ वो नहीं आई है किसी लेबल से, हाँ गानों के लिए डील हो रही, बट मैं सोच रहा हूँ एक बार अगर साइन ही हो जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें इन प्रोसेस ही हैं, हमने बात कर रखी है, और विद अ गुड लेबल मोस्टली नेक्स्ट ईयर तक सब सही रहा तो वो भी हो जाएगा, ग्रेट, वैसा अभी देखो मोस्टली फोकस आपका हसल, ये एक शो है और ये चल रहा है, बट हमारा शो पे तो फोकस है ही है पूरा पूरा, बट हम इस बार उसके साथ क्योंकि हम दोनों को साथ में टाइम कम मिलता है, फिर ये चंडीगढ़ है मैं इधर हूँ, ठीक है, तो हम लोग को गाने बनाने, भाई दूर दूर से फिर बातें होती हैं, भाई मैं वर्ड्स भेज रहा हूँ तो अपना इस पर रिकॉर्ड कर दे, मैं म्यूजिक भेज रहा हूँ तो इस पर रिकॉर्ड कर दो, होता रहता फिर होते होते चला जाता है, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने वहाँ से भेजा या फिर इसने यहाँ से, नहीं एक्चुअली में नहीं हुआ, यहाँ मिलेंगे फिर गाने बनाए, हमने कहा यहीं करते हैं, शिफ्ट हो जा बॉम्बे, मेरा मतलब ये भी बात तो सही है, पैसा तो ये है, काम भी यही है, जब काम यही है तो काम, जब भी काम होगा तब बॉम्बे बुलाएगा, अदरवाइज मैं वहाँ पे बड़ा खुश हूँ, बॉम्बे बुलाएगा, हेलो मानी इधर आ जा, सिंपल है, जब भी काम होता है तब तब तो आ रहे हैं, मैं बॉम्बे बोल रहा हूँ, हेलो मैं बॉम्बे बोल रहा हूँ, नहीं यहाँ पे एक्चुअली जुनून एंड ऑल वर्ल्ड, सॉरी भाई भाई, नहीं ये भाई मैं डिसरिस्पेक्ट कर, मैं डिसरिस्पेक्ट कर, मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये साला तब से मुझे अंडरस्टैंड बोले पड़ा है, नहीं वो तो फैक्ट्स बोल रहा है ना, ये तो नहीं भाई, मैं तो फैक्ट ही बोलता हूं भाई, मैं लिरिकल रैपर भी तो हूं ना भाई, पैसे दिए आप मेरी तरफ हैं कि आप इसकी तरफ हैं, आप किसी का, हम दो ऐसे करिए ना, आप ये पंजाब तो है ना, पैसे दिए भाई, ये देखिए ये सीधी बात है, एट द एंड नॉट वेंस हम कंबा अलग से फिर पैसे अलग से, कंबा मतलब बोतल भाई यार, तू फिर से एक्साइटेड हो गया, अरे सियानी बिल्ली खंबा नोच, नहीं नहीं मतलब है पूरा माइंड में है ये सब करना है, बढ़िया, ऑल द बेस्ट भाई, यस थैंक यू सो मच, फ्यूचर में और खतरनाक काम करो, जीफाड़ काम करो आपकी ईपी और एल्बम के लिए, यस ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सो भाई योर फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो तो खाली हाथ में जाने दूंगा, स्पेशल गिफ्ट्स आपके लिए सिम्बा की तरफ से, थैंक यू सो मच भाई, अर्बन मंकी सिम्बा मजा आ गया, थैंक यू सो मच, शाउट आउट राज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में, कैसा लगा भाई, मजा आ गया, जितने पैसे दिए उतनी तारीफ कर, मेरे लिए भाई ड्रीम कम ट्रू था, और मेरे लिए बहुत सच में है, कितनी मजाक मस्ती हो जाए, हंसी मजाक हो जाए, आप उसके बाद मेरी कुछ इंसल्टी करने वाले, बट दैट्स ओके, दैट्स हु वी आर, इंसल्टेड गाइस, मैं शॉक हूं कि हम तीन जनर मिल चुके हैं, ज्यादा ज्यादा मिले, याद है बाकी को याद नहीं, हाँ दो बार तो मैं आपसे यही मिला हूँ, अर्बन मंकी बहुत फ्री हूँ मैं, मैं फ्री था मैं पॉडकास्ट शूट करने आया चलो गाइस लेट्स गो, आई फील लेफ्ट आउट, कम ऑन, बट मैं शाउट आउट टू यू राज भाई, द पैंच जो जब अच्छा बोलो, ह्यूज शाउट आउट टू यू राज भाई फॉर डूइंग दिस एंड कीपिंग द सीन अलाइव ऑलवेज, कोई बचा नहीं है वैसे अभी बहुत लोग शायद से आपकी लिस्ट में होंगे कि आपको इनका इंटरव्यू लेना है, इनका इंटरव्यू, इनका पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट इज द न्यू, वो अगर हां बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा भाई, सभी हो जाएगा, बट इट्स अ शाउट आउट टू यू, थैंक यू भाई, ये हमारी तरफ से, ये हमारी तरफ से क्वेश्चन है कि आपका मतलब वो कौन है, कि आपका ड्रीम कम ट्रू कैसे होगा, कि मतलब कौन आपके शो पे आए कि आपका ड्रीम कम ट्रू हो जाए, यार ऐसे तो माफिया मुंडीर एक साथ राउंड टेबल में, अरे भाई हो नहीं पाएगा, लेकिन दूसरा डॉक्टर ड्रे ये हटा दीजिएगा अभी अभी
Oh, nice. Dr. Dre. Yes, sir. I hope it happens and happens very soon in future. नहीं, मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगा. एंड मतलब मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किसी भी पॉडकास्ट या किसी भी इंटरव्यू में नहीं ना देखा और ना ही बिकॉज ऑफ भाई मैं बताऊँ सच बात, क्योंकि द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस और इन फ्रंट ऑफ अस नेवर हैड दैट नॉलेज अबाउट हिप हॉप एंड अबाउट द सीन. और आप ये करते आ रहे हो, सो यू नो इट, सो आपको सब पता है जो चल रहा है. तो हालांकि हिप हॉप की बातें हुई ही नहीं इतनी नॉलेज, मतलब वैसे वाली बातें थोड़ा की है, हिप हॉप पढ़ने लगे की बात हो रही थी, हिप हॉप नहीं है वो. लेकिन अब है क्या यो व्हाट क्या बोल रहा है तू, असल शून्य तीन हिप हॉप नहीं है तो ऐसा बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है भाई ये सजी के साथ तो वो रेडी. हां या बीइंग डिप्लोमेट, ये हिप हॉप नहीं बोल रहा शो को ऐसा, और मुझे रिप्लेस कर रहे हो आप, अगर दोनों नहीं चाहिए तो आई एम रेडी. पैसा पहुंचा देना बस, और तो क्या है. थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग. मतलब फर्स्ट बकचोद वाला फुल पॉडकास्ट. ओह लेट्स गो. यस यस, थैंक यू सो मच राज, बैक बाय. यही टैग क्यों मिलता है भाई. थैंक यू, कीप वाचिंग गाइस, राज जोन्स पॉडकास्ट विद राज जोन्स. ओह लेट्स गो, पीस आउट.